वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा शहर के सयाजी नगर ग्रह में गरबा स्पर्धा का आयोजन किया गया। वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा इस वर्ष गरबा स्पर्धा का आयोजन किया गया। जाहिर सी बात है कि कोरोना काल के कारण पिछले वर्ष किसी भी प्रकार के सार्वजनिक या तो फिर बंद कमरे और हॉल में गरबा के लिए प्रतिबंध लगा गया था, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण काफी होने के बीच अब काफी कम केस दर्ज हो रहे हैं। तो वहीं तमाम नीति नियमों के बीच राज्य सरकार द्वारा गरबा आयोजन के लिए परमिशन दी गई है, जिसके बावजूद वडोदरा महानगर सेवा सदन द्वारा भी गरबा स्पर्धा 2021 का आयोजन किया गया। शहर के सयाजी नगर ग्रह में आज गरबा स्पर्धा का आयोजन करते हुए इस मौके पर मेयर केव रोकड़िया, डेप्यूटी मेयर नंदाबेन जोशी, म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल, चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल सहित कई महानुभव उपस्थित रहे थे। वडोदरा संस्कारी नगरी, उत्सवनी नगरी अने कला नगरी अने एमाय वडोदरा नवरात्रिना गरबा उत्सव आखा विश्वमां प्रचलित। वडोदरानुं डोडियुं, वडोदरा जे एकी साथे 50,000 एक ग्राउंड पर युवक युवतीओ गरबा रमे एवं आ वडोदरा, अने एमा वडोदरा कॉर्पोरेशन द्वारा सरकारनी गाइडलाइन प्रमाणे कोरोना पछी पहली वार आजे अर्वाचीन अने प्राचीन गरबाना कॉम्पिटिशननुं आयोजन करवामां आव्युं छे। वडोदरा कॉर्पोरेशनने हूँ खूब खूब अभिनंदन आपूं छूँ। સાથે સાથે જે અમારી આ સંસ્થાની ટીમોએ જે દીકરીઓએ ભાગ લીધો છે તેમને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। આ બે દિવસ ચાલનારી કોમ્પિટિશન ત્યાર પછી એમને રાજ્યકક્ષાએ કોમ્પિટિશનમાં ભાગ લેવાનું મળશે। વડોદરા કોર્પોરેશન ખૂબ સારી આ એક પ્લેટફોર્મ આપ્યું છે અમારી દીકરીઓને, એ બદલ કોર્પોરેશનનો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। કેમ કે ગરબા એ આપણી વડોદરાની ઓળખ છે, અને દીકરા દીકરીઓ હોય કે આપણી યંગ જનરેશન હોય કે ઇવન અમારા વડીલો કેમ ન હોય, એમને પણ ગરબા ગાવા ગમતા હોય છે। તો કોરોના પછી જ્યારે આજે ગરબાનું આજે કોર્પોરેશન દ્વારા આયોજન થયું છે, ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા, ખૂબ અભિનંદન।